नमस्कार, राजधावा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। मेघालय के मुख्यमंत्री कर्नाट संगमा के तुरा में बने ऑफिस पर भीड़ ने सोमवार को शाम को हमला कर दिया। सीएम संगमा सुरक्षित थे, लेकिन उनके 5 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। तुरा शहर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिस समय हमला हुआ, उस समय संगमा अचिक कॉन्शियस होलिस्टिकली इंटीग्रेटेड क्रीमा और गारो हिल स्टेट मूवमेंट कमेटी के प्रतिनिधियों से बात कर रहे थे। ये संगठन पिछले 14 दिनों से तुरा को विंटर कैपिटल बनाने की मांग करने के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। सीएम ने इनके प्रतिनिधियों को सोमवार को बातचीत के लिए बुलाया था। बातचीत करीब पूरी हो गई थी, तभी अचानक भीड़ आई और पथराव करने लगी। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। भीड़ ने सीएम ऑफिस का गेट तोड़ने की भी कोशिश की। सीएम संगमा ने हिंसक में घायल सुरक्षा कर्मियों का हालचाल जाना। संगमा के घायल सुरक्षा कर्मियों से बातचीत के वक्त की तस्वीर मीडिया में सामने आई। फोटो में घायल सुरक्षा कर्मी फर्श पर पड़े दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने घायल कर्मियों के लिए 50,000 रुपए की मदद और इलाज का खर्च देने की घोषणा की है। सिविल सोसाइटी ग्रुप का कहना है कि 1972 में मेघालय को पहली बार राज्य का दर्जा मिला था, तब तुरा को राजधानी बनाने का वादा किया गया था। आंदोलन करने वाले यहाँ मिनी सचिवालय के लिए भी राजी है। उनका कहना है कि गारो हिल्स में रहने वाले सभी समुदाय के विकास और समस्याओं को हल करने के लिए विंटर कैपिटल बनाना ही एकमात्र तरीका है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।